अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूएई का वीजा, दुबई का वीजा आप लोग किस तरह से हासिल कर सकते हैं सिर्फ 20 से 30 हजार रुपए में। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप लोगों ने दुबई में जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और फ्रेंड्स, एक चीज मैं आप लोगों को बता चलूं, एयरपोर्ट पे आप लोगों ने कौन सी गलतियां नहीं करनी जिसकी वजह से मेरा फ्रेंड डिपोर्ट होके वापस पाकिस्तान में आया था। ये सारी चीजें फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। जॉब किस तरह से आप लोगों ने हासिल करनी है और कितनी आप लोगों को सैलरी मिलेगी, किस तरह से आप लोगों ने सीवी किस तरह से देनी है कंपनीज को, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो दुबई में घूमने फिरने के लिए जाना चाह रहे हैं और जो दुबई में जॉब वगैरह करने के लिए जाना चाह रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि यार कितना खर्चा आता है दुबई में, मतलब अगर हम लोग जाते हैं 2 महीने के वीज़ा पर जॉब ढूंढने के लिए कितना खर्चा आएगा वहाँ पर रहने का, खाने पीने का। तो तकरीबन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है दुबई का वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और कंप्लीट ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। आप लोग अगर ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आप लोगों का 1 रुपया नहीं लगता लेकिन हमारी सपोर्ट होती है, हमें अच्छा लगता है कि यार लोग वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मोटिवेशन होती है, फिर हम और वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं दुबई की, तो इसका जो यूएई की जो इसका कैपिटल है वो है अबू धाबी। फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 10 मिलियन लोग आबाद हैं इस कंट्री में, लेकिन फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा कामयाब कंट्री है। बात की जाए कनाडा की भी कंपनीज दुबई में हैं, यूएस की कंपनी दुबई में हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग दुबई में काम करते हैं, कंपनीज ओपन करते हैं, क्योंकि ये एक सिक्योर कंट्री है और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को बताया चलूँ यहाँ करेंसी कौन सी चलती है, तो फ्रेंड यहाँ की जो करेंसी है वो है दिरहम, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 60 से लेकर 80 के दरमियान चल रहा होता है। ठीक है, ये इसकी करेंसी है। मज़ीद फ्रेंड्स अगर बात की जाए रिक्वायरमेंट्स के ऊपर या गलतियों के ऊपर या जॉब ढूंढने के ऊपर, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ, उसके बाद कंप्लीट वीडियो आप लोग देखें, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों ने गलती कौन सी नहीं करनी एयरपोर्ट पे, गलती नंबर 1 वो है आप लोगों ने एयरपोर्ट पे शो मनी ज़रूर लेके जानी है। उससे पहले वीज़ा आप लोगों से किस तरह से लेना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, सबसे पहले आप लोगों ने एक ट्रैवल एजेंट देखना है जो आपका प्रॉपर बंदा हो, ठीक है, आपके जानने वाला हो या कोई भी हो, वही आप लोगों को वीज़ा निकलवा के दे सकता है। वीज़ा निकल रहा है, ऑनलाइन सिस्टम से भी वीज़ा आ रहा है, ठीक है, और जिनका ऑफिस दुबई में है वो मैन्युअली भी वीज़ा निकलवा के दे सकते हैं। अगर मैं फ्रेंड्स प्राइस की बात करूं वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। अब आप जिस एजेंट के पास जाएंगे वीज़ा लेने, अब डिफरेंट प्राइजेज होती हैं। जो 1 मंथ वाला वीज़ा है वो तकरीबन 20,000 से लेकर 30,000 तक मिलेगा, और इसी तरह जो फ्रेंड्स 2 मंथ का वीज़ा है वो हर एजेंट की अपनी प्राइस है, ठीक है, कोई बहुत महंगा भी देते हैं वीज़ा, ठीक है, मैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ, कोई एजेंट तो बहुत ज़्यादा महंगा देते हैं। अब जो 2 मंथ वाला वीज़ा है उसकी प्राइस तकरीबन 50 से लेकर 60 तक है, और जो 3 मंथ वाला है वो 60 से लेकर इस तरह से, मतलब ऊपर नीचे इनकी प्राइजेस होती रहती हैं, हर एजेंट जितना दिल करता है वो ले लेता है, ठीक है, आप लोगों से। ये तो होगी प्राइस की बात। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? इसमें आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं चाहिए, आप लोगों का 2 पिक्चर्स चाहिए आप लोगों को, और फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों का पासपोर्ट और आईडी कार्ड, यही चीज़ें आप लोग एजेंट को प्रोवाइड करेंगे, वो आप लोगों को वीज़ा दे देगा। अच्छा देखें, जो गलती आप लोगों ने एयरपोर्ट पे नहीं करनी वो क्या क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों के पास होटल बुकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कन्फर्म होटल बुकिंग आप लोगों के पास होनी चाहिए, कन्फर्म रिटर्न टिकट आप लोगों के पास होनी चाहिए, डमी वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डमी पे काफ़ी ज़्यादा लोग ऑलरेडी ही डिपोर्ट हो चुके हैं दुबई से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है कुछ टाइम पहले। अच्छा, बैन सिटी की बात करें तो फिलहाल कोई भी बैन सिटी नहीं है। शो मनी की फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 3,000 दिरहम आप लोगों के पास कैश होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप लोगों के पास ये पैसे नहीं, आप किसी से उधार पकड़ सकते हैं, वहाँ जाके आप उसे वापस बेच सकते हैं, या कोई वहाँ का बंदा है तो उस तरह से आप अपना गुजारा चला सकते हैं। अब जो मेरा दोस्त था जो डिपोर्ट हुआ था, उसका क्या रीज़न था, सबसे पहले उसके पास होटल बुकिंग और शो मनी, ये दोनों चीज़ें उसके पास नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ फ्रेंड्स अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी है, आप लोगों ने याद रखना है। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्रेंड्स आप लोगों के पास होनी चाहिए, ये भी एक मतलब के प्रूफ होता है एयरपोर्ट पर, मेरे से भी मांगा गया था, आप लोगों से भी
मांगा जाएगा, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पूरी होनी चाहिए। ये तो फ्रेंड रिक्वायरमेंट थी जो मैंने सारी आप लोगों को बता दी है, प्राइस आप लोगों से शेयर किए कि इतने से इतने का वीज़ा मिल रहा है, ठीक है। वैसे तो वीज़ा फीस ही होती है इसकी, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर ज़ाहरी बात है एजेंट जो काम कर रहा है वो किस लिए बैठा हुआ है, ज़ाहरी बात है आप लोगों की हेल्प कर रहा है, उसके भी चार्जेस वगैरह बनते हैं। तो अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की, तो तकरीबन 3 से 4 दिन में ये वीज़ा आप लोगों का आ जाता है, कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग टाइम इसका नहीं होता। अब बात फ्रेंड करते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने जॉब फाइंड करनी है और आप लोगों का ख़र्चा कितना आएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप वीज़ा आप देख लें, अगर आप 60 से 65 हज़ार का 2 मंथ वाला वीज़ा ले रहे हैं ये देख लें, ठीक है। एक खर्चा आप लोगों का ये हो गया, आने जाने की आप लोग टिकट लगा लें। अब दुबई में जो रहने का खर्चा है फ्रेंड्स वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, तकरीबन मैं आइडिया आप लोगों को दूंगा, 500 से लेके 600 तक, तकरीबन 500 से लेके 700 तक आप लोगों को बेड स्पेस मिलती है दुबई में, ठीक है। और जो खाने पीने का खर्चा है आपका 1 मंथ का, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है, जो मतलब कि गुजारा करते हैं फ्रेंड्स वो तकरीबन 500-600 दिरहम में भी गुजारा चला लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसका भी इतना ही रखें, 500 से लेके 700 दिरहम आप लोगों का ये खर्चा हो गया, 1400 दिरहम फ्रेंड्स आप लोगों का ये खर्चा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का 60-65 हज़ार का वो मतलब के वीज़ा हो गया, ठीक है। ये सारा आप लोग देखें, कम से कम अगर आप लोग जा रहे हैं दुबई में विजिट वीज़ा के ऊपर जॉब वगैरह फाइंड करने के लिए, तो आप लोगों के पास तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है। इतने पैसे आप लोगों को लग ही जाएंगे, क्योंकि आगे पीछे एयरपोर्ट से टैक्सी में जाना आना, किराए वगैरह बहुत ज़्यादा दुबई में ख़र्चा होता है। लेकिन यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के पास ये भी है कि आप लोग अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले लेते हैं तो वो भी आप लोगों को तकरीबन इतने का मिल जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, आप एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, जहरी बात है आप जॉब करने के लिए ज़्यादातर लोग जाना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लोगों को विजिट वीज़ा पे जॉब ना मिले तो आप लोगों के ये सारे पैसे एक किस्म के ज़ाया हो गए। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा ऐसी एजेंसीज़ होती हैं जो कि रावलपिंडी वगैरह में भी हैं, जो आप लोगों को मतलब के वीज़ा वगैरह प्रोवाइड करती हैं, टेस्ट सेंटर होते हैं काफ़ी ज़्यादा चांदनी चौक वगैरह में हैं, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं जो मतलब स्किल पर्सन है। अच्छा देखें, आप जाना किस बंदे को चाहिए, उस बंदे को जाना चाहिए जिसके पास स्किल है, ठीक है। अब जिसके पास डिग्री है अगर वो जाएगा वो फ्रेशर होता है, उसको भी जॉब मिल जाती है लेकिन मुश्किल हो जाती है, ठीक है। अब एक जो स्किल पर्सन होता है जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, या इस तरह का कोई और मतलब किसी भी ऑक्यूपेशन से जो बंदा है जिसके पास स्किल है, उस बंदे को जॉब ज़रा जल्दी मिलती है, ठीक है। पैकिंग वगैरह के बंदे दुबई में भी बहुत होते हैं। सैलरीज़ की मैं फ्रेंड्स बात करूँ, तकरीबन जो पैकिंग के काम करते हैं उनको सैलरी 1000-950 इतनी सैलरी मिलती है, और फ्रेंड्स जो स्किल पर्सन होते हैं उनको तकरीबन 1300 से लोए के 1400-1500-1800 तक मिलती है, इससे ऊपर भी मिलती है। अब जो वेल्डर हजरात हैं वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी लेते हैं, ठीक है, 4000 दिरहम तक भी मिलती है, लेकिन डिपेंड करते हैं उनकी स्किल के ऊपर, उनको कौन सा ट्रेड मतलब कि वो किस फील्ड में माहिर हैं, ठीक है। वेल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इस तरह हर फील्ड में, जैसे प्लम्बर है इसकी भी सैलरी ज़्यादा होती है, कोई सुपरवाइज़र बन जाता है, कोई मतलब साइड वगैरह देखता है, तो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थी, मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ, खर्चा अब आप लोग देख लें, आप लोगों का इतना ही आता है, लेकिन अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिलती तो आप लोगों के पैसे मतलब एक्सपीरियंस आप लोगों को हो जाता है, पैसे तो फिर भी ज़ाया नहीं होते लेकिन एक किस्म के ज़ाया भी हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, आप लोगों को बताया किस तरह से आप लोगों ने वीज़ा हासिल करना है, क्या वीज़े की फ़ीस है, कितना आप लोगों का ख़र्चा आएगा, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके बाद आप लोगों ने जॉब कैसे फाइंड करनी है लास्ट चीज़, ठीक है। अब फ्रेंड्स जब आप लोगों ने जॉब कैसे फाइंड करनी, आप लोगों ने एक CV बनानी है प्रोफेशनल सी, एक उसके साथ जो है ना कवर लेटर भी आप लोग बना लें। अब आप लोग दुबई में जहाँ रहते हैं, ठीक है, आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन इंडीड एक वेबसाइट है, ठीक है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। अब मैं आप लोगों को बता चलूँ, पहले वीडियो में मैंने बताया था हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे, हमारे साथ एक बंदा काम कर रहा था, तो उससे मैंने पूछा आप किस तरह से इस कंपनी में आए हो, तो वो बोला था यार मैंने इंडीड के थ्रू जॉब अप्लाई की, मैं विजिट वीज़ा पे था तो इस कंपनी ने मुझे जॉब दे दी, वो स्किल पर्सन था, स्किल पर्सन को जॉब मिलने के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं दुबई में, तो इस तरह से उसने जॉब हासिल कर ली। आप लोग भी CV तैयार करें, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के पास जाएँ, कुछ कंपनीज इंटर नहीं होने देते लेकिन आप लोग ऑनलाइन भी करते रहें, कुछ ना कुछ मतलब करेंगे, हिलजुल करेंगे तो ही आप लोगों को जॉब मिलेगी। किसी रेस्टोरेंट पर जाएं, कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है इस तरह के कैफ़े वगैरह, वहाँ पर जाएं, जो भी जगह मिलती है देखें, आप लोगों को बस टाइम कम होता है। अब तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताया चलूँ, अगर पहले तो ऐसे होता था ना कि 3 मंथ का वीज़ा है ना, तो आप लोगों का 100 दिन का टाइम होता था, ठीक है, 10 दिन ऊपर थे, अब वो 10 दिन भी ख़त्म हो गए हैं।
ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। ओवर स्टे नहीं होना, ओवर स्टे के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो आपका एजेंट होता है, जो आपके लिए वीज़ा निकलवाता है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। तो इन सब चीज़ों का फ्रेंड्स आप लोगों ने ख्याल रखना है। दुबई में जब भी जाएँ सारी चीज़ें प्रॉपर आप लोगों को पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग कोशिश करें वहाँ पर अपने किसी दोस्त यार को बोलें यार मेरे लिए जॉब फाइंड करके रखें, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के पैसे भी बचेंगे, जाते साथ आप लोग जॉब पर लग जाएंगे, आप लोगों का जो खर्चा है रूम का वो भी कंपनी देती है, और जो खाने पीने का है वो भी चलो जॉब से थोड़ा बहुत निकलता रहता है। तो आगे फिर आप लोग नेक्स्ट दुबई से यूरोप भी जा सकते हैं। अब दुबई से यूरोप किस तरह से जाना है, आप लोगों के पास NOC लेटर और बैंक स्टेटमेंट, ये दो मेन चीज़ें आप लोगों को होनी चाहिए। अब देखें कुछ लोग कहते हैं कि हमें NOC कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई भी कंपनी NOC नहीं देती अपने एम्प्लॉय को। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है, पैसे लगाने हैं। पैसे कैसे लगाने हैं, आप लोगों ने अपना वीज़ा ख़रीदना है, ठीक है, इसमें आप लोगों का नुकसान हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन एक फ़ायदा है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं अगर उसी कंपनी में आप मतलब कि आज़ाद वीज़े पे काम करते हैं तो आप लोगों को सैलरी वगैरह भी ज़्यादा मिलती है। तो आज़ाद वीज़ा के और भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, आप लोग अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, यूरोप का वीज़ा ले सकते हैं, और काफ़ी एक वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा बनाऊँगा जिसमें आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप लोग दुबई में जा सकते हैं। तो ये कम्प्लीट वीडियो थी, डिटेल थी, एजेंट हजरात जितने भी हैं मैं आप लोगों को कहूँगा आप लोग जब भी किसी से वीज़ा लगवाते हैं थोड़ा सोच समझ के आगे पीछे देख सुन के लगवाया करें, ठीक है, अपना काम प्रॉपर तरीके से कराएं। वीडियो पसंद आई है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो में कोई मिस्टेक थी उसके लिए सॉरी, मिलेंगे इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है श्याम अली, और अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करवाने के लिए यूरोप में आप लोग हमारी सर्विस ले सकते हैं, ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा। मेरा नाम है श्याम अली, मिलेंगे इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।